दोस्तों, क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट स्कोर के बीच रिश्ता बिल्कुल वैसा है जैसे एक मुर्गी और अंडे के बीच है। अगर मैं आप सभी को ये सवाल पूछूं कि मुर्गी पहले है या फिर अंडा पहले है, तो इसका जवाब आप सभी के पास नहीं होगा। उसी तरीके से अगर मैं आप सभी को ये सवाल पूछूं कि क्रेडिट स्कोर पहले है या फिर क्रेडिट कार्ड पहले है, तो इसका भी जवाब आप सभी के पास नहीं होगा। अगर आपके पास एक अच्छा क्रेडिट स्कोर है तभी आपको एक क्रेडिट कार्ड मिलेगा, और आप अपने क्रेडिट स्कोर को अच्छा तभी कर सकते हो जब आपके पास एक क्रेडिट कार्ड होगा, है ना, एक बहुत ही अजीब चीज़। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को चार ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिनको कि फॉलो करने पर, अगर आपकी कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, अगर आपका कुछ भी क्रेडिट स्कोर नहीं है, एकदम जीरो है, आप क्रेडिट स्कोर बिल्ड करना चाहते हो, तो बिना क्रेडिट कार्ड लिए, बिना कोई लोन लिए आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को बिल्ड कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। अब दोस्तों, अगर आप क्रेडिट की फील्ड में नए हो, फाइनेंस की फील्ड में नए हो, आपका कोई भी क्रेडिट स्कोर नहीं है, आप अपने क्रेडिट हिस्ट्री को बिल्ड करना चाहते हो, तो आप कैसे कर सकते हो? अब जनरली दो अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। एक है जो एम्प्लॉयड है, यानी कि जिनकी फिक्स्ड इनकम है, हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कुछ ना कुछ अमाउंट आता है। दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं वो है जिनकी फिक्स्ड इनकम नहीं है, मतलब जनरली उनके बैंक अकाउंट में एक पर्टिकुलर डेट पर कोई अमाउंट नहीं आता है, तो उनको अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को बिल्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो लोग एम्प्लॉयड है, जिनकी एक फिक्स्ड इनकम है, उनको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड्स मिल जाते हैं, प्री अप्रूव्ड लोन भी मिल जाता है, और वहाँ पे वो अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को बिल्ड कर सकते हैं। तो उनके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उनको तो क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड को यूटिलाइज़ करने के बाद, यूज़ करने के बाद उनकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड हो जाती है। लेकिन मैं उन लोगों के बारे में बोल रहा हूँ जिनकी कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है, जिनको जनरली प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड्स नहीं मिलते हैं, कोई भी लोन नहीं मिलता है, तो वो अपने क्रेडिट हिस्ट्री को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो बेसिकली अब मैं आप सभी को चार ट्रिक्स बताऊंगा जिनको कि आपको फॉलो करना है। नंबर वन पे क्या है, नॉर्मली जब आप ऑफलाइन स्टोर पे कुछ भी खरीदारी करने जाते हो, कुछ भी परचेस करते हो, मान लो अगर आपको वॉशिंग मशीन खरीदनी है या फिर अगर आपको टीवी खरीदना है, तो उस समय पर वो जो ऑफलाइन स्टोर होता है ना, वहां पर फाइनेंस की सुविधा भी होती है। मतलब फाइनेंस कंपनी के साथ वो लोग क्या करते हैं, टाई अप करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बजाज फिनसर्व, तो आप क्या करना, उनको बोलना कि मुझे ये टीवी फाइनेंस पे चाहिए। जब फाइनेंस पे आपको वो टीवी मिल जाता है, तो बेसिकली वो लोग क्रेडिट ब्यूरो को वो रिपोर्ट करते हैं। जब आप ईएमआई के जरिए वो परचेस करोगे ना, तो बेसिकली आपके नाम पर एक लोन प्रोवाइड किया जाता है, और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे वो हिट करता है, वो शो होता है। तो अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप सही समय पर ये रीपे कर दोगे, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड होनी शुरू हो जाती है। दूसरे पॉइंट के ऊपर आने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड किसे कहा जाता है और अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड किसे कहा जाता है। अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड में बेनिफिट्स आपको बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड मिलना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये उन लोगों को मिलता है जिनका एक इनकम प्रूफ होता है, जिनकी एक फिक्स्ड इनकम होती है, सैलरी वाले होते हैं, और उनका क्रेडिट स्कोर पहले से बिल्ड हुआ होता है। लेकिन सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड में आपका कोई भी डॉक्यूमेंट चेक नहीं किया जाता है, आपका इनकम प्रूफ भी चेक नहीं किया जाता है, कोई भी क्रेडिट स्कोर आपका चेक नहीं किया जाता है। तो बेसिकली आपको बैंक में जाकर एफडी करवानी पड़ती है, उस एफडी के बेसिस पर आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, उसे सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लेना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक में अगर आप मिनिमम 10,000 रुपीज का एफडी करवाते हो, तो वहां पे वो आपने जो एफडी करवाया है उसका लगभग 90% की लिमिट आपको मिल जाती है। अगर आपने 10,000 रुपये की एफडी करवाई है, तो वहां पे आपको 9,000 रुपये की लिमिट मिल जाती है। तो वहां पे बेसिकली आपको एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, 100% गारंटी के साथ आपको मिल जाता है। वन कार्ड में भी अगर आप मिनिमम 2,000 रुपये की एफडी करवाते हो, तो उसका 110% की लिमिट आपको मिल जाती है। तो ये भी आप कर सकते हो, आप एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, 100% गारंटी के साथ हर किसी को सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। और उसको आप क्या करना, उसको यूटिलाइज़ करना, धीरे धीरे हर महीने उसे यूटिलाइज़ करना। वहाँ पे होता क्या है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे वो हिट करता है कि आपने कब यूटिलाइज़ किया है, तो धीरे धीरे आपका स्कोर वहाँ पे जो है वो बढ़ता रहता है। लेकिन याद रखना, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो आप 30% करना। पहली बार अगर आप यूटिलाइज़ कर रहे हो उसे, तो 50-60% आप अपनी लिमिट का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अगर आपकी लिमिट है 10,000 रुपये, तो आप 5,000-6,000 रुपये इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आपकी कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। लेकिन वंस वो हिट हो जाती है, उसके बाद आप क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को 30% कर देना। मतलब कि अगर आपकी लिमिट है 10,000 रुपये, तो आप 3,000 रुपये ही इस्तेमाल करना। तीसरी जो ट्रिक है वो क्या है, वो है लोन एप्लीकेशंस। आप प्ले स्टोर पर चले जाना, वहाँ पर बहुत सारी लोन एप्लीकेशंस आपको मिल जाती हैं। छोटे छोटे अमाउंट का लोन आप वहाँ से ले लें,
लेना। लेकिन याद रखना, सही लोन एप्लीकेशन से ही आप लोन लेना, फेक लोन एप्लीकेशन से नहीं। मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियोस बनाई है जहां पे मैंने आप सभी को लोन एप्लीकेशन के बारे में बताया है। तो आप क्या कर सकते हो, लोन एप्लीकेशन में जाकर वो आपको 2,000 रुपये का या फिर 5,000 रुपये का लोन प्रोवाइड कर देते हैं, ईजिली आपको मिल जाता है। आप वहां से लोन ले लेना, उसके बाद उसे रीपे कर देना। वंस आप रीपे कर देते हो तो आपके क्रेडिट हिस्ट्री पे वो हिट करता है, यानी कि वो आपको बताता है कि आपने यहाँ से लोन लिया है और आपने सही समय पर रीपे कर दिया है। तो आपका क्रेडिट स्कोर वहाँ से भी धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। अब चौथी और आखिरी ट्रिक के ऊपर आते हैं। आप एक बार बाय नाउ पे लेटर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल लेजी पे, लेजी पे में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड करना पड़ता है, आपको कोई भी इनकम प्रूफ नहीं दिखाना पड़ता है, आपका क्रेडिट स्कोर भी नहीं चेक किया जाता है, सिर्फ आपको अपना फ़ोन नंबर वहाँ पर डालना पड़ता है, उसके बाद आपको क्रेडिट लिमिट मिल जाती है। आप उसको यूटिलाइज़ कर देना। यूटिलाइज करने से होता क्या है कि आपके नाम पर एक लोन शो होता है वहाँ पर, मतलब आपके क्रेडिट हिस्ट्री पे एक लोन शो होता है। जब आप रीपे कर देते हो तो वहाँ पे वो हट जाता है, तो वहाँ से आपका स्कोर भी बढ़ता रहता है। लेकिन याद रखना, एक ही बार इस्तेमाल करना। बार बार बाय नाउ पे लेटर एप्लीकेशन को मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि जितनी बार आप ये इस्तेमाल करते रहोगे ना, तो आपके नाम पर लोन शो होता रहता है और उससे आपका क्रेडिट स्कोर घट जाता है। मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अपने क्रेडिट स्कोर को बिल्ड कर रहे हो, जीरो से शुरू कर रहे हो, इसलिए एक बार आप इस्तेमाल करना। तो यही चार ऐसी ट्रिक्स है जिनको कि अगर आप फॉलो करोगे तो आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा, ना ही वहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है, ना ही लोन लेने की ज़रूरत है। बिना क्रेडिट कार्ड के, बिना लोन के आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को, अपने क्रेडिट स्कोर को बिल्ड कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से ये ज़रूर पता चला है कि आप अपने क्रेडिट स्कोर को कैसे ज़ीरो से बिल्ड कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप सभी के सामने लाता रहता हूँ। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएगा, मैं उसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।